तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ 111 गज में बने गए शानदार विला, जो कि हमारे 16.8x60 की इसकी जो डायमेंशन होने वाली है। और लोकेशन की हम बात करें तो हमारी जो वैशाली नगर एक्सटेंशन में वैशाली प्राइम नाम से जो कॉलोनी है उसमें जो है हमारे विला होने वाले हैं, जो कि गांधीपथ वेस्ट में, ठीक है। और ये टोटल हमारी जो 6 यूनिट है विला की, तो काफी शानदार जो है हमारे विला बने गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 111 गज में बने गए हैं, तो टोटल जो है 3 BHK के हमारे जो विला है, 80% लोनेबल है, JDA अप्रूव्ड है, और साथ ही में वेस्ट फेसिंग में हमारे जो विला होने वाले हैं। तो आज हम जो है इसी विला का जो टूर करने वाले हैं। तो हम अगर आगे चले तो देख लीजिए काफी अच्छा खासा यहाँ पर आपको जो 16.8 का जो फ्रंट मिल जाता है, और यहाँ पर आप अगर स्पेस देखेंगे तो देख लीजिए काफी बड़ा सारा यहाँ पर आपको जो स्पेस मिल जाता है पार्किंग का स्पेस, जिसमें आप अपनी जो है बड़ी सारी SUV गाड़ी और 3-4 टू व्हीलर जो है इजीली यहाँ पर आप जो पार्क कर सकते हैं। और काफी अच्छा मोटा तगड़ा यहाँ पर आपको जो गेट मिल जाता है। तो हम अगर आगे चले तो यहाँ पर हम जो विला के अंदर एंटर हो जाते हैं, और एंटर होते ही यहाँ पर आपको देख लीजिए कितना बड़ा सारा यहाँ पर जो लिविंग एरिया मिलता है, जहाँ पर आपको जो है फॉल सीलिंग काम जो करके दिया गया है, जहाँ पर आप अपने जो कोई भी जो सोफा सेट या कुछ भी जो यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको जो LED पैनल भी मिल जाता है, और यहाँ से हमारी जो सीढ़ियाँ जो है फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करिए, और साथ में इधर आपको जो मॉड्यूलर किचन और सामने की तरफ आपको जो बेडरूम मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले हमारी जो किचन दिखाता हूँ। तो देख लीजिए कुछ ऐसी जो हमारी किचन होने वाली है, फुली मॉड्यूलर किचन हमारी जो होने वाली है, जहाँ पर आपको जो काफी अच्छा जो है सूर्य का प्रकाश भी जो है देखने को मिल जाता है। हम अगर आगे चले तो यहाँ पर जो किचन के जस्ट सामने आपको जो हमारा एक पहला बेडरूम जो मिल जाता है। तो देख लीजिए कुछ ऐसा जो हमारा पहला बेडरूम दिखाई देता है, जहाँ पर आपको जो है फॉल सीलिंग काम भी जो है काफी ब्यूटीफुल जो यहाँ पर काम करके दिया गया है। और इस बेडरूम के साथ यहाँ पर आपको जो अटैच वॉशरूम और साथ में ड्रेसिंग एरिया मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो वुडन वार्डरोब जो लगा के दी गई है, जहाँ पर आप अपना जो है ड्रेसिंग एरिया बना सकते हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर हमारा जो है वॉशरूम लग रहा है, देख लीजिए कितनी शानदार जो है यहाँ पर टाइल्स का काम किया गया है। और यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आपको जो एक स्पेस जो है दिया गया, जहाँ पर आप हमारी जो है फुली वेंटिलेशन जो है सीधा ऊपर जो छत से होगी। तो ये हो गया हमारा पहला बेडरूम। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। तो देख लीजिए कि यहाँ पर भी जो हमारी जो सीट है, इधर भी जो है देख लीजिए कितना अच्छा जो यहाँ पर काम करके दिया गया, लाइटनिंग यहाँ पर आपको जो मिल जाती है। तो अब हम आ गए हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। तो देख लीजिए यहाँ पर भी आपको जो काफी बड़ा सारा यहाँ पर जो हॉल मिल जाता है, जहाँ पर आपको जो फॉल सीलिंग काम भी जो करके दिया गया है। और हमारे इस फ्लोर पर हमारे जो 2 बेडरूम जो बने गए। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। तो देख लीजिए यहाँ पर जैसे नीचे था, तो वैसे सेम टू सेम यहाँ पर जो बड़ा सारा स्पेस आपको जो है हमारे इस बेडरूम का दिया गया है, जिसमें आपको जो है फॉल सीलिंग काम भी जो करके दिया गया है। और इस बेडरूम के साथ भी यहाँ पर आपको जो अटैच वॉशरूम दिया गया है, साथ में यहाँ पर आपको जो वार्डरोब लगा के दी गई है ड्रेसिंग एरिया के लिए। और देख लीजिए कुछ ऐसा जो है हमारा अटैच वॉशरूम दिखाई देता है। सभी वॉशरूम में हमारे जो अलग अलग डिजाइन की जो टाइल्स है वो जो यूज करके दी गई है, जिससे आप जो बोर ना हो कि भाई सेम जो वॉशरूम। और साथ ही में इस बेडरूम के साथ आपको जो अटैच बालकनी भी मिलती है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है कुछ ऐसी जो हमारी बालकनी होने वाली है। तो ये हो गया हमारा सेकंड बेडरूम। तो इसके जस्ट सामने हमारा जो थर्ड बेडरूम आ जाता है। तो चलिए ये वाला बेडरूम भी मैं आपको जो दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा जो हमारा थर्ड बेडरूम दिखाई देता है, जो कि जो हमारा सेम टू सेम जितना नीचे स्पेस था वही सेम स्पेस जो यहाँ पर दिया गया है। साथ में यहाँ पर आपको जो है फॉल सीलिंग काम भी जो है मिल जाता है। और इस बेडरूम के साथ भी यहाँ पर आपको जो ड्रेसिंग एरिया और साथ में अटैच वॉशरूम जो मिल जाता है। तो देखिए कुछ ऐसा जो हमारा अटैच वॉशरूम होने वाला है, जहाँ पर आपको जो अलग तरीके की टाइल्स का जो है यूज करके दिया गया, मतलब जो तीनों जो वॉशरूम है सभी में जो अलग अलग कलर की जो टाइल्स का जो यूज किया गया। तो इस बेडरूम के साथ भी यहाँ पर आपको जो अटैच बालकनी मिलती है। तो देख लीजिए कुछ ऐसी जो हमारी अटैच बालकनी है।
और हमारी बालकनी से कुछ ऐसा नजारा हमको जो दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो हमारे दोनों बेडरूम जो इस फ्लोर के दिखा दिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड फ्लोर पर। तो हमारे सेकंड फ्लोर पर भी यहाँ पर आपको जो बड़ा सारा हॉल जो है मिल जाता है। देख लीजिए कितना बड़ा साइज यहाँ पर आपको जो हॉल की मिल जाती है। और यहाँ पर हमारे जो दो छत है, एक बैकयार्ड की छत और हमारी जो एक फ्रंट की छत। तो पहले हम चलते हैं हमारे बैकयार्ड की छत पे। तो देख लीजिए इधर भी आपको जो छत है हमारी, उसका जो काफी बड़ा सारा जो है यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। हमारी इस छत के जस्ट सामने की तरफ ही हमारी जो फ्रंट की छत आ जाती है। तो देख लीजिए कुछ ऐसी जो हमारी फ्रंट की छत जो दिखाई देती है, जिधर आपको जो काफी बड़ा स्पेस जो है यहाँ पर जो मिल जाता है। और हमारी छत से कुछ ऐसा नजारा जो है आपको दिखाई देता है। तो कैसा लगा आपको मिला, प्लीज मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में बताना। और जो भी डिटेल्स मिला की वो सब भी जो यहाँ पर लिखी गई है। तो कैसे लगे आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे जो आने वाली वीडियो जो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।